मुझे पैसे दो नहीं तो तुम्हारा न्यूड फोटो वायरल कर दूंगी, महिला ने दी धमकी। पिछले महीने यहां आत्महत्या करने वाले 32 वर्षीय सुरक्षा गार्ड ने ऑनलाइन वसूली का शिकार होने के बाद यह कदम उठाया था। पुलिस ने बुधवार को यह दावा किया। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने व्हाट्सएप के जरिए उससे दोस्ती की थी और बाद में फोन पर निर्वस्त होकर उसे फंसाया था तथा उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। पुलिस के अनुसार यह बात 5 दिसंबर को पता चली, जब मृतक की पत्नी को उसके मोबाइल फोन से जुड़े एक व्हाट्सएप अकाउंट पर महिला का एक संदेश आया। महिला ने पैसे मांगे थे और धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसकी तस्वीर जारी कर देगी। पुलिस ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला अनिल कुमार गुरुग्राम में एक निजी बिल्डर कंपनी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। उसने 15 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी और उसका शव द्वारका एक्सप्रेसवे के समीप कंपनी के निर्माण स्थल के समीप एक पेड़ से लटका मिला था। दोस्तों, ये ब्लैकमेलिंग आप रोक दीजिए। ब्लैकमेलिंग से इतने नुकसान हो रहे हैं, किसी की जान जा रही है, किसी के परिवार से कोई सदस्य अलविदा कह रहा है और कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये ब्लैकमेलिंग बहुत ही गलत है और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। दीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस, फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसौली या गांठ, सफेद पानी, शुगर, BP, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात, शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथी से केवल 100 रुपए में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइक केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BEMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।